आज हम डिटेल की 11th क्लास का यूनिट फर्स्ट का सेकंड सेशन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि रिटेल का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो हम नए कस्टमर के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सेकंड सेशन है उसमें है कस्टमर्स एंड टाइप ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर्स हम पहले कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्राहक और उपभोक्ता में अंतर या कस्टमर और कंज्यूमर में अंतर। अब हम करेंगे कि ग्राहकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स या ग्राहकों के प्रकार। तो यहाँ पे हमारे पास पांच प्रकार के ग्राहक होते हैं। पहला है लॉयल कस्टमर्स, यानी कि वफादार ग्राहक। लॉयल कस्टमर्स कौन होते हैं? लॉयल कस्टमर वो होते हैं जो हमारी शॉप पे, हमारे रिटेल स्टोर पे बार बार आना पसंद करते हैं। उनको जब भी कुछ खरीदना होता है वो हमारे स्टोर पे आना पसंद करते हैं। ऐसे ग्राहक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होते हैं, फायदेमंद होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिक वस्तुएं खरीदते हैं और हमेशा हमारी दुकान से भी वस्तुएं खरीदते हैं। ये कहीं और जाना पसंद नहीं करते। ये इनकी एक फिक्स प्रोडक्ट लिस्ट, यानी कि क्या खरीदते हैं और कहाँ से खरीदते हैं, ये पहले से भी निश्चित होता है। तो जो रिटेलर्स हैं उनको वफादार ग्राहकों को स्पेशल छूट या कुछ स्पेशल प्राइसेस देने चाहिए, जिससे कि वो हमेशा उनके साथ बने रहे। रिटेलर को इनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने होते हैं, जिससे कि ये हमेशा हमारे वफादार रहे, कभी भी हमारा स्टोर छोड़ के ना जाए। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्टोर के लिए बहुत प्रॉफिटेबल यानी कि फायदेमंद होते हैं। हमारे लाभ का जो बड़ा हिस्सा है वो वफादार ग्राहकों से ही मिलता है। दूसरा है डिस्काउंट कस्टमर्स, छूट ग्राहक। ये ऐसे ग्राहक होते हैं जो छूट देकर खरीदते हैं, जहां से सामान सस्ता मिलेगा वहीं से लेंगे। ये रिटेल स्टोर पे तब आते हैं, हो सकता है कि ये बार बार भी आए आपके स्टोर पे, लेकिन ये वही वस्तुएं खरीदेंगे जो इनको सस्ती मिलेंगी या जिन वस्तुओं पर छूट होगी। तो इन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हमें अलग अलग कूपन, छूट, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि ये आकर्षित होकर हमारे रिटेल स्टोर पे आना पसंद करें। ये वही वस्तुएं खरीदेंगे जो लो कॉस्ट यानी कि सस्ती होंगी। उसके बाद है इंपल्सिव कस्टमर्स। इंपल्सिव होते हैं आवेगशील ग्राहक। आवेगशील क्या ग्राहक होते हैं? ये कि आवेग में आकर, जोश में आकर खरीदते हैं। इनकी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होती, मतलब ये पहले से निर्धारित या पूर्व निर्धारित कोई वस्तुओं की लिस्ट नहीं होती। ये मार्केट में आकर वस्तुएं देखते हैं और जो वस्तुएं उन्हें अच्छी लगती है तुरंत उसे खरीद लेते हैं। तो इसके लिए रिटेलर को क्या करना होता है? इसके लिए रिटेलर को जो उसकी फेमस गुड्स हैं या उसकी स्टोर पे जो अच्छी वस्तुएं हैं उनको अच्छे से डिस्प्ले करके रखना चाहिए, जिससे कि वो ऐसे इंपल्सिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, अवेक्षित ग्राहकों को आकर्षित कर सके, जिससे कि वो डिस्प्ले देखें, वस्तु देखें, उसे पसंद करें और उस वस्तु को खरीद लें। क्योंकि इनके पास कोई फिक्स लिस्ट नहीं होती, केवल अच्छी वस्तु देखकर ही उनको खरीद लेते हैं। उसके बाद है नीड बेस्ड कस्टमर, जरूरत आधारित ग्राहक। अब इंपल्सिव क्या था? उनके पास कोई फिक्स लिस्ट नहीं थी, जो वस्तु मार्केट में अच्छी दिखी उसे खरीद लिया। लेकिन नीड बेस्ड क्या होते हैं? ये केवल अपनी नीड होने पर या जरूरत होने पर ही खरीदते हैं। इनकी एक फिक्स लिस्ट होती है, जिस जिस वस्तु की जरूरत है वो केवल उन्हीं वस्तुओं में से खरीदेंगे, बाकी वस्तुएं नहीं खरीदते। ये कम खरीदते हैं, केवल जरूरत होने पर ही खरीदते हैं। इनको जरूरत है या नहीं, लेकिन अगर कोई चीज अच्छी लगी तो ये खरीद लेते हैं, आवेगशील ग्राहक। लेकिन नीड बेस्ड केवल जरूरत होने पर ही खरीदते हैं, जो उनकी जरूरत की वस्तुएं हैं वही खरीदेंगे, अन्य वस्तुओं की ओर ये ध्यान नहीं देते। उसके बाद है वंडरिंग कस्टमर्स। वंडरिंग कस्टमर्स होते हैं भटकने वाले कस्टमर्स, जो इधर उधर भटकते रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये बाजार में अनेक रिटेल स्टोर्स पे विजिट करते हैं, अनेक स्टोर्स घूमते हैं और ये क्या करते हैं कि अनेक जगह से वस्तुएं खरीद देखते हैं और खरीदते बहुत कम है। जैसे कि अगर उनको किसी एक वस्तु की जरूरत है तो वो स्टोर पे आके हो सकता है 10 वस्तुएं देखें, लेकिन खरीदेंगे केवल एक ही। ये कोई भी एक वस्तु खरीदने के लिए एक स्टोर पर विश्वास नहीं करते, अनेक सप्लायर, अनेक जगह घूमते हैं, अच्छे से देखते हैं, लेकिन खरीदते बहुत कम है। तो ये थे हमारे पांच प्रकार के कस्टमर, वफादार जो हमेशा एक ही स्टोर से खरीदते हैं जो स्टोर के लिए फायदेमंद होते हैं, छूट जो सस्ता खरीदते हैं, आवेगशील जिनकी फिक्स लिस्ट नहीं होती, जो चीज अच्छी लगी वो खरीद लिया,
नीड बेस्ड केवल जरूरत की वस्तुएं खरीदते हैं, वैंडरिंग कस्टमर्स घूमते अधिक हैं, खरीदते कम हैं। सभी स्टोर्स में जाएंगे लेकिन खरीदेंगे बहुत कम। उम्मीद है आपको ये सब टाइप्स ऑफ कस्टमर समझ में आए होंगे। थैंक यू।